प्रकाश के दर्शकों को नमस्कार। आज हम थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला में पहुंचे हैं। यहां पर जो है एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट के ऊपर जो है इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। रिसर्च का ये प्रोजेक्ट है। मैडम ममता गुलाटी है, इनकी देखरेख में ये प्रोजेक्ट चल रहा है और बच्चे इसके ऊपर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है थापड़ सेट प्रोजेक्ट। तो हम मैडम ममता गुलाटी से और सर हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है और किस तरह से इसके ऊपर बच्चे काम कर रहे हैं। मैडम ममता गुलाटी बताइए कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। नमस्कार। हमारा जो प्रोजेक्ट है थापड़ सैटेलाइट प्रोग्राम थापड़ सैट, हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को 5 साल पहले शुरू किया था। जहां हमने शुरू किया था, सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग पंजाब की स्टेट के लिए कुछ अच्छा करें, किसानों की मदद के लिए कुछ ऐसा करें और पंजाब की स्टेट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में कुछ सोच के हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए थे उस समय। हमारा ऑब्जेक्टिव, अभी हमारे सैटेलाइट की 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है पॉल्यूशन मॉनिटरिंग, जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और वाटर मॉलिक्यूल्स को मेजर करेंगे, उनकी इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं और उससे हम लोग ये देखेंगे कि कितना पोल्यूशन जो है वो एटमॉस्फेयर में हो रहा है इस समय। उसके बाद सॉइल मॉइस्चर कंटेंट हमारे सैटेलाइट का एक बड़ा दूसरा ऑब्जेक्टिव है, जिससे हम लोग नमी जो किसानों को जरूरी होती है, हमारे सॉइल की नमी कितनी है उसको माप सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे को सिंचाई किस तरह से करनी चाहिए हमें। और उसके बाद इसका तीसरा और बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो है मीथेन गैस की लीकेज को डिटेक्ट करना। मीथेन गैस की लीकेज इस तरह से इम्पोर्टेंट होती है सर कि हमें मीथेन एक पॉइजनस गैस है और उसका कोई गंध नहीं है, उसकी कोई स्मेल नहीं है, वो जलती नहीं है, तो हमारे को उसकी डिटेक्शन करना ग्राउंड लेवल पे जब तक कि वो लोगों को अफेक्ट नहीं कर देती तब तक जो है वो नहीं बता पाते हैं कि मीथेन वहां पे है। तो जब तक वो लोगों को अफेक्ट करना शुरू करती है तो बहुत देर हो जाती है। तो हम हमारी सैटेलाइट के थ्रू इसको रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं। मीथेन लीकेज अगर कहीं पे होता है तो हम उसे उसी समय गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो काफी हद तक इन चीजों को मॉनिटर करके पॉलिसीज गवर्नमेंट की हेल्प के थ्रू हम लोग इनको आगाह कर सकते हैं कि और काफी लोगों की हेल्थ पे भी और किसानों की भी मदद हो सकती है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी मेजर हो सकता है, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर की जो हेल्थ है उसे भी हम लोग ठीक रख सकते हैं। सो ओवरऑल एक सोसाइटी की बेनिफिट के लिए इसके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए थे। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा सैटेलाइट बस, जिसमें कि हमारा 2 to 5 माइक्रोमीटर का एक इंफ्रारेड कैमरा है जिसके थ्रू हम इसे मेजर करेंगे, और एक है हमारा ग्राउंड स्टेशन। ग्राउंड स्टेशन है जो हमारा एक फुली इक्विप्ड ग्राउंड स्टेशन है जिसके थ्रू हम लोग हमारा डेटा लेंगे। और अभी भी हम लोग नोवा सैटेलाइट और मीटियोर M2 सैटेलाइट्स जो है US की सैटेलाइट्स है, वो वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स है, तो हम लोग उनकी ऑब्जर्वेशन रेगुलरली कर रहे हैं उसके थ्रू। ये वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स हैं जिसमें बच्चे जो है इनको मॉनिटर करते हैं चीजों को और उसके बाद उसका डेटा लेके अपने डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स उस पे कर रहे हैं। तो इन तरह से 2 पार्ट्स में हमारा जो है वो प्रोजेक्ट डिवाइड किया गया है। सो ये हमारा एक ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिव है सैटेलाइट का। अभी हमारा सैटेलाइट जो है वो बन के रेडी है और उसका हम लोग एक Within this month, हम लोग इसरो के साथ इसरो को प्रपोजल सबमिट करने जा रहे हैं इसको उनकी सपोर्ट के लिए कि हमें इसको ऑर्बिट में लॉन्च करने की सपोर्ट फैसिलिटी दी जाए। तो ये हमारा अभी करंट स्टेटस है इसका। और ये एक स्टूडेंट सैटेलाइट प्रोजेक्ट है और स्टूडेंट सैटेलाइट प्रोजेक्ट में इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काम किया है। तकरीबन पिछले 5 सालों में 200 से ऊपर बच्चों ने इस पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स में काम किया है और बच्चों ने अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हैं और सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स जो हैं थापड़ के, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब इंजीनियरिंग के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके सब डिपार्टमेंट्स के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं और बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उनको एक फर्स्ट हैंड लर्निंग एक्सपीरियंस मिला है कि एक्चुअली इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स किस तरह से किए जा सकते हैं। तो सर आप बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट बच्चों के लिए किस तरह से जो है
बेनिफिट करेगा। नमस्कार, बच्चों को यहाँ पर दो तीन बहुत इम्पोर्टेंट चीजें सिखाई जाती हैं। जैसे सबसे पहला जो एस्पेक्ट है कि सैटेलाइट से डेटा कैसे लेना है, डाउनलोड कैसे करना है, उसको प्रोसेस कैसे करना है, डेटा बहुत बड़ा साइज में आता है उसको कंप्रेस कैसे करना है, कैसे एल्गोरिथम डेवलप करनी है। तो सबसे पहला पार्ट तो ये है कि जो सैटेलाइट से डेटा है उस डेटा को डाउनलोड कैसे करना है, सबसे पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है उस डेटा का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। अब डेटा जब आ गया तो डेटा को पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको इमेज में कन्वर्ट करना है, या आपको उस डेटा से कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने साइंटिफिक गोल्स के लिए इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया था, हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे माइक्रो प्रोजेक्ट में बांट दिया था। जिस बच्चे की रुचि जिस माइक्रो प्रोजेक्ट में थी उसको उस माइक्रो प्रोजेक्ट की तरफ हमने मोटिवेट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे हमने करीब पिछले 4 साल में लगभग 150 बच्चों को ट्रेन किया है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में, जिसमें कुछ बच्चों ने मैकेनिकल एस्पेक्ट पे काम किया है, जैसे सैटेलाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उस स्ट्रक्चर को टेस्ट कैसे करना है, इसरो से जो डेटा आया है हमारे पास ऑलरेडी ओपन सोर्स सैटेलाइट से जो आया है उस डेटा से उसे कैसे कैलिब्रेट करना है, एंटीना कैसे सेट करना है। कुछ बच्चों ने काम किया है इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर कि सैटेलाइट से जो डेटा आया उसको इमेज फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है। कुछ बच्चों ने इस पे काम किया कि अगर हमारे पास कोई एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन आती है, जैसे पिछले साल गुजरात में साइक्लोन आया था, तो उन्होंने बोला कि साहब हमें साइक्लोन मेजरमेंट और प्रेडिक्शन पे काम करना है, तो उन्होंने उस इमेजेस का इस्तेमाल उसमें किया कि कैसे साइक्लोन मूव कर रहा है, रोज के रोज साइक्लोन किस तरफ जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी कैसे घट रही है, बढ़ रही है, क्या हो रहा है, उसका प्रेडिक्शन किया। सी सरफेस जो टेम्परेचर है उसको कैसे वो अप डाउन हो रहा है वो मेजर किया। कुछ बच्चों ने कहा नहीं साहब हमें विंड स्पीड पे काम करना है कि विंड डायरेक्शन के थ्रू हम क्लाउड कंडीशन मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, तो उन्होंने उस कंडीशन पे काम किया। तो लगभग हमने 8 माइक्रो प्रोजेक्ट में ब्रेक किया इस पूरे प्रोजेक्ट को, और हमने करीब 150 बच्चों को अब तक अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया, उस प्रोजेक्ट में ट्रेन किया जी। जैसे मीथेन गैस का डिटेक्शन आप बता रहे हैं, मीथेन गैस किस तरह से जो है एक आम जिंदगी पे प्रभाव डालती है? सर, जैसे काफी जगह से मीथेन गैस लीकेज होती है। हम लोग जब जैसे अभी राइस का सीजन आएगा, हम लोग पैडी लगाएंगे खेतों में, किसान जब लगाएंगे, तो जब हम पैडी में पानी को पडल करते हैं, उसको रखते हैं पानी के बीच में, तो वहां से बहुत ज्यादा मीथेन गैस लीकेज होती है, जो कि सबसे पहला इफेक्ट जो है वो हमारे किसानों पे डालती है, उनकी हेल्थ पे डालती है। उसके बाद इंडस्ट्रियल लेवल पे भी मीथेन गैस काफी लीक होती है, जो कि अनडिटेक्टेड चली जाती है, और उससे काफी हद तक मतलब नॉर्मल शहर के लोगों को भी अफेक्ट होता है। और तीसरा, अभी एलपीजी पाइपलाइंस जो डल रही हैं पूरे देश भर में, उसके थ्रू मीथेन लीकेज काफी होती है। तो और ये चीजें हैं जो कि बहुत जल्दी पकड़ में नहीं आती, तो जब वो पकड़ में नहीं आती है तो हम उसके करेक्टिव मेजर्स नहीं ले सकते हैं कि कैसे मतलब उसको एटमॉस्फेयर से कम किया जाए। तो इसलिए ये सैटेलाइट मॉनिटरिंग जो है मीथेन गैस लीकेज की एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं हम हमारे सैटेलाइट मॉनिटरिंग के थ्रू हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर सके। और इस चीज के लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट बॉडी से भी बात किया है, पंजाब पोल्यूशन बोर्ड से भी, डीएसपी से भी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से भी, इन सब डिपार्टमेंट्स के साथ हमारी बातचीत चल रही है, और उन्होंने ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट को देखा हुआ है। पिछले 6 महीने से हम उनसे बात कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग पे भी बात कर रहे हैं, डेटा का यूटिलाइजेशन किस तरह से करेंगे, हम उन्हें डेटा प्रोवाइड करेंगे तो वो क्विक और प्रॉम्प्ट एक्शन किस तरह से ले सकते हैं, वो सब पॉलिसीज वो मतलब उनका ऑलरेडी पाइपलाइन में है कि वो कैसे उस पर काम करना करेंगे, और ऑब्जेक्टिव्स को और हमारे सैटेलाइट के और जिसे बाकी के भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए भी उनसे अभी बात मतलब बातचीत चल रही है, उनकी हमारी ऑलरेडी मतलब कोलैबोरेशन शुरू हो चुकी है। हम लोग ये सारा डेटा जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराएंगे, उनके रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को देंगे, सो दैट वो क्विक और उसी समय एक्शन लिया जा सके चीजों पे, और जितना हो सके नुकसान कम से कम हो सके। सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट जो है इसको फाइनल शेप देने में या डाटा हमको जो अवेलेबल होगा वो कितना टाइम लग जाएगा? इसरो से आप बता रहे हैं कि बातचीत चल रही है और इसको जो है सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, वो इसमें कितना टाइम लग जाएगा? एक
नंबर दो, मैं दूसरा जानना चाहता हूँ कि पराली की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है पंजाब के अंदर, खासतौर से और हरियाणा में, उसको लेके जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा सख्त रवैया अपनाया था, इसमें ये किस तरीके से ये हेल्प करेगा? सबसे पहला जो आपने प्रश्न पूछा रिलेटेड टू सैटेलाइट कब लॉन्च हो पाएगा, तो अभी हमारी फिलहाल कोशिश ये है कि हम एक अगले महीने तक अपना सारा प्रपोजल वगैरह फाइनल करके इसको सबमिट कर देंगे, और हमारा एक्चुअल प्रयास ये है कि जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले स्वतंत्रता दिवस में घोषणा की थी कि भारत के 75 साल की आजादी के उपलक्ष्य में वो 75 स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च करने की उन्होंने बात की थी, तो हम उस प्रोजेक्ट में उस मिशन का हम पार्ट बन पाए। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अगस्त एंड तक अपना सारा काम खत्म कर दें और इसरो से अप्रूवल ले लें, क्योंकि हमें इस सैटेलाइट के लिए कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स इसरो से भी लेने हैं, तो इसरो तब वो हमको देगा जब वो हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा। तो पंजाब गवर्नमेंट की मदद से अभी हम लोग अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर चुके हैं, अब हमें बस एक वैलिडेशन करना है सैटेलाइट का। वैलिडेशन करने के बाद हम ये प्रपोजल इसरो को सबमिट कर देंगे और होपफुली उम्मीद ये है कि अगस्त फर्स्ट वीक तक हमारे पास गुड न्यूज आ जाएगी कि हम सिलेक्ट हो गए हैं, और उसके बाद फिर अगस्त एंड या सितंबर में जब भी इसरो की नेक्स्ट लॉन्च डेट होगी तो हमारा सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगा। अब आपका दूसरा जो प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पराली को लेके, एक्चुअली दो यहाँ पे दो मेजर समस्याएं हैं। जब पराली जनरली क्या करता है, किसान या तो उसको खेत में ऐसे ही छोड़ देता है या जला देता है। जलाने के विषय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो नाइट्रस गैसेस और जो सल्फर गैसेस हैं, जो हार्मफुल गैसेस हैं, हम कॉमन मैन के लिए जिसको सांस लेने में दिक्कत है या अस्थमा पेशेंट है उसके लिए, तो हमारी सैटेलाइट एक्चुअली ये डिटेक्ट करने में समर्थ होगी कि कहाँ पर हॉटस्पॉट्स हैं, कहाँ पर आग लगाई गई है, तो हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हम आगाह कर सकते हैं, उनको रियल टाइम डेटा दे सकते हैं कि फलाना जगह पर पराली कुछ है, आग लगी हुई है, हॉटस्पॉट आ रहा। दूसरी सब ये है कि जैसे कुछ लोग पराली छोड़ देते हैं वो नेचुरल वे में डीके होने लगते हैं, तो उसमें वहां पे क्या होता है जब वो पानी उसमें डालते हैं तो वो बायोमास टाइप का बन जाता है और उससे मीथेन निकलती, मीथेन रिलीज होती है। तो अगर हल्का फुल्का है और कोई आसपास नहीं है तब कोई दिक्कत नहीं है, वो मीथेन धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगा, पर अगर कोई नहर आया आसपास या फिर आने जाने के रास्ते के बीच में है वो डेंजरस है। तो सेम वे में हम मिनिस्ट्री को, साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और पॉल्यूशन बोर्ड को हम ये बता सकते हैं कि ये इस जगह पे मीथेन का एक हमको कंसंट्रेशन मिल रहा है, तो उस केस में भी हम इनको आगाह कर सकते हैं। एक हम लोगों ने ये भी प्लान बनाया है कि हम यहाँ पर हमारे यहाँ थापर में एक वेंचर लैब है जहाँ पर हम बच्चों को और बाहर से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इंक्यूबेट करते हैं, तो हमने उसमें भी उनको थोड़ा सा हम एक प्लान बना रहे हैं कि जो अगर हमें पराली के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम उनको भी अपने साथ इन्वॉल्व करें, जो एनवायरमेंटल इश्यूज पे काम कर रहे हैं जो एंटरप्रेन्योर्स, उनके साथ मिलकर अगर हम उस पराली का कोई यूजेज या कुछ एप्लीकेशन हम करवा पाए तो हम उस बारे में भी अपने उसमें प्रोजेक्ट में हमने विचार किया और हमें थापर की हाइड अथॉरिटी से पूरा सपोर्ट भी मिला है। अभी प्लान ये है कि हम अगस्त में इस बारे में हम आगे डिस्कशन शुरू करेंगे कि पराली जलाने और पराली को रखने के अलावा तीसरा जो ऑप्शन है पराली को यूज करने में हम किस तरह से लोकल एंटरप्रेन्योर्स को यूज कर सकते हैं, जैसे प्लाईबोर्ड बनाना है या आपका कार्डबोर्ड बनाना है या आपकी पैकेजिंग मटेरियल बनानी है, क्या हम उसमें पराली को यूज कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग यहाँ पर हमारे थापर में एक वेंचर लैब है जहाँ पर हम एंटरप्रेन्योर्स को इंक्यूबेट कराते हैं, हम उनसे भी बात करें। मैम एक चीज मैं और जानना चाहूंगा वो ये कि ये प्रोजेक्ट तो एक प्रोजेक्ट हो गया और आपने जैसे बताया कि इसके अंदर हम 40 स्टूडेंट्स को जो है एक बारे में ट्रेन करते हैं और उनको जो है एक्सपोजर देते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, इससे पहले आप 150 स्टूडेंट्स को शायद यहाँ पे लैब में कर चुके हैं ट्रेन। मैं जानना चाहता हूँ कि ये आगे के जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या प्लानिंग है आपकी, कुछ नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं और हम थापर सैटेलाइट प्रोग्राम के अंडर एकेडमिक प्रोग्राम्स का भी थीपी शुरुआत करना चाहते हैं। तो मैं एक एक करके दोनों को थोड़ा सा एलाबोरेट करना चाहूंगी। जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए हम लोगों ने डीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीएसटी विंग के प्रोजेक्ट्स अभी हम सबमिट करने जा रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग इसरो के लिए भी सबमिट करने जा रहे हैं जिसमें हमारा एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये होगा कि हमारा जो सैटेलाइट का भी कैमरा है वो मल्टीपल तरह की ऑब्जर्वेशन करेगा, तो हम लोग ये चाहते हैं कि सेम मल्टीपल तरह की ऑब्जर्वेशन जो है वो
दो चीजें हो, एक हमें जैसे अभी हमें दिन में दो या तीन बार ये इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं ताकि रियल टाइम जो डेटा है वो हमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी से मिले, क्योंकि पोल्यूशन या लीकेज जो है वो किसी समय पे अगर किसी एक जगह पे जल्दी होती है या ज्यादा हो रही है तो उसको क्विक एक्शन लेने के लिए हम अगले दिन की इंतजार नहीं कर सकते। तो हमारा एक प्रोजेक्ट ये है जो हम लोग चाहते हैं करना, जो हम लोग जिसका हम प्रपोजल देने जा रहे हैं कि वो उनकी सपोर्ट के साथ हम करें कि हम लोग इस तरह का हाई टेम्पोरल ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा सके सो दैट हम और सैटेलाइट्स लॉन्च करें। दूसरा, ज्यादा सैटेलाइट्स या ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने से हमें जो है वो ग्राउंड रेजोल्यूशन में भी मदद मिलेगी। जैसे पराली बर्न अगर थोड़ा एक घंटा पहले हुई है तो हवा जो है वो हमारी जो समय जब हमारा पैडी का सीजन होता है उसमें जो हवा होती है वो हमारी डेंजरस गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी ले जाती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारा ग्राउंड रेजोल्यूशन अच्छा है तो हम लोग एक पर्टिकुलर स्पॉट जहाँ पे वो चीज हुई है उसको जीरो लेवल करने में हमें जीरो जाने में ग्राउंड पे थोड़ी आसानी होगी, तो हम ग्राउंड रेजोल्यूशन को भी बढ़ाना चाहते हैं। तो ये दो प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो इन्हीं लाइंस पे आगे चलेंगे। उसके अलावा भी हम लोग रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जिसमें सैटेलाइट नैनो सैटेलाइट अभी क्या है, जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है उनमें बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं सैटेलाइट की ऑब्जर्वेशंस के लिए। जैसे हम लोग सैटेलाइट को स्पेस में अगर रोटेट करते हैं, सैटेलाइट को एक तरफ से दूसरी तरफ देखने के लिए रोटेट करते हैं, तो उसमें तकरीबन जो रेजोल्यूशन है हमारी इमेजेस का वो काफी खराब हो जाता है। तो हम लोग इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू ये करना चाहते हैं कि क्या हम इसे बेटर कर सकते हैं। तो ये तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो गए। उसके अलावा हम लोगों ने एकेडमिक प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट करने, एकेडमिक प्रोग्राम्स भी स्टार्ट करने का प्लान किया है। जैसे हम थापर में अभी हो सकता है नेक्स्ट ईयर से ही एक स्पेशलाइजेशन इन एरोस्पेस शुरू करना चाहते हैं, जो कि हमारे यहाँ के बच्चों को स्पेस इंडस्ट्रीज में इंक्यूबेट करने के लिए रेडी करेगा, स्पेशलाइजेशन देगा, जो कि स्पेस इंडस्ट्रीज इस समय ना ही सिर्फ इंडिया में पूरे विश्व भर में काफी ज्यादा डिमांड में है, बिकॉज अगला आने वाला युग जो है वो स्पेस इंडस्ट्री का है। और तो हम बच्चों को उसके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स जो है स्पेशलाइजेशन ऑफर करना चाहते हैं ताकि वो हमारे थापर के बच्चों के लिए हो गया। उसके बाद स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बाहर के लिए हम छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं। बच्चों का इंटरेस्ट उन छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में काफी है, क्योंकि अभी हमने इसरो के साथ एक इसरो का स्टार्ट प्रोग्राम होता है जिसमें वो कॉलेज के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। इनिशियल लेवल ट्रेनिंग होता है वो बेसिकली स्पेस प्रोग्राम्स या स्पेस टेक्नोलॉजी से। इस बार तो उनका थीम था सोलर एक्सप्लोरेशन, तो हमने वो इसरो का स्टार्ट प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट करवाया है जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। हमारे पास ना सिर्फ थापर के बच्चे, बाहर के बच्चे जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल से, टेक कॉलेज चंडीगढ़ से भी कुछ बच्चों ने एनरोल किया है और उन्होंने सक्सेसफुली उसको कोर्स को कम्प्लीट किया है। तो हम इसरो के कोर्सेज के थ्रू भी बच्चों को एक कैपेसिटी बिल्डिंग आसपास के रीजन के लिए एक सेंटर, नोडल सेंटर बनाना चाहते हैं। और तीसरा हमारा प्रपोजल जो कि हम पंजाब गवर्नमेंट के हेल्प के साथ करना चाहते हैं वो है जो पंजाब गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग, जो कि सैटेलाइट डेटा पे काम करते हैं ऑलरेडी और इस हमारी सैटेलाइट का डेटा भी यूज करेंगे, कि डेटा को किस तरह से हैंडल करना है, उससे कैसे आप यूजफुल इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, वो सबके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप जो है पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए भी हम लोग पंजाब गवर्नमेंट की हेल्प के थ्रू अगले सेमेस्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये है कुछ अकेडमिक प्रोग्राम शुरू इसके अंडर डॉक्टर ममता गुलाटी ये इस प्रोजेक्ट को बड़े ही तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पंजाब सरकार क्या इवन हिंदुस्तान की सरकार को बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा जो कि पोल्यूटेड गैसेस का है और या अन्य मीथेन लीकेज वगैरह का है वो सारा डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। और प्रकाश के लिए साजन शर्मा पटियाला से।